मैं मलिक रियाज़ हूँ आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस्लामी तारीख़ में बहुत ज़बरदस्त किस्म के बादशाह गुजरे हैं ये इनसे पहले जो लोग बादशाह कर चुके थे उनमें से एक अब्दुल अब्दुलमलिक थे एक वलीद थे और दूसरे सुलेमान थे इन तीनों ने अपने मन को राज़ी किया अपने नफ्स को राज़ी किया और अपने जो इर्द गिर्द के जो चापलूस लोग होते थे जो जो है ना दूसरों की शिकायतें लगाकर अपने आप को जो है ना आगे पहले नंबर पे लाने की कोशिश किया करते थे उनको राज़ी किया लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक ऐसे हुक्मरान एक ऐसे बादशाह जिन्होंने अपने रब को राज़ी किया जो भी काम किया अपने रब की रज़ा के लिए किया कैसे अब इसकी तारीख़ के ऊपर अगर हम आएँ तो देखें आपकी एक जोजा थी जिनसे आपने जो है ना वो अपने चचा की बेटी थी और आपकी जोजा भी थी और ये फातमा नाम था उनका और ये इस्लामी तारीख की सबसे मजबूत खातून है इस लिहाज से कि आप इसके दादा भी हुक्मरान गुजरे बाप भी हुक्मरान गुजरा और भाई भी इसके हुक्मरान थे अब खावंद की बारी आई तो खावद भी हुक्मरान हो गया खावंद भी बादशाह बन गया तो हज़रत फ़ातिमा के हवाले से बात हो रही है जब उनके पास ये पहुँचे ना जब बादशाह बने तो उनके पास आए और उन्हें कहने लगे हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्या फातिमा मैं आपके पास इस हरत से आया हूँ कि अब मैं तुम्हारे जो हक है ना वो सही तरह से अदा नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ चुकी है तो अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको तलाक दे सकता हूँ ताकि आपके हक क्यामत के दिन मेरे ऊपर वाजिब उदा न रहें तो या ऐसा है कि आप मुझे अपने हकूक़ को माफ़ कर दें तो वो हजरत फातमा थी उन्होंने आपके साथ इतना अरसा गुजारा था वो कहने लगी कि जब आप पे अच्छे हालात थे तो मैं आपके साथ थी आप क्योंकि आप पे हालात मुश्किल आ गए अब देखें हुक्मरान बनने के बाद वो कह रहे हैं आपस में डिस्कस करें कि हालात मुश्किल आ चुके हैं अब आप, आप क्योंकि मुश्किल में तो अब मैं कैसे आपका साथ छोड़ सकती हूँ अब तो मैं आपका साथ निभाऊँगी अब देखें फिर अब उमोर बिन अब्दुल अजीज़ की दिन रात कैसे गुजरे अदवा फातमा कहती हैं कि रात उनकी मसल पर गुज़रती अल्लाह के सामने गिर गिरिया करते अल्लाह के सामने गिराते अल्लाह के सामने रोते और मसल पर रात गुजरती और दिन पूरा जो था वो आवाम की खिदमत के लिए गुजरता ये वही हुक्मरान है कि जिनके दौर के अंदर कोई फ़कीर नहीं रहा कोई भिकारी नहीं रहा कोई रिश्वत खोर नहीं रहा कोई ालिम नहीं रहा कोई मजलूम नहीं रहा कोई गरीब नहीं रहा उस आपके दौर में लोग जक़त लेने वाले नहीं रहे थे ये हर हजरत उम्र बिन अब्दुलज़ीज़ है तारीख़ है हमारी बीमारी आप पढ़ के देख सकते हैं और जब इनके अपने हालात देखें अपने घर के हालात देखें कि एक दिन ऐसा हुआ ईद थी ईद का दिन था तो हज़रत फातमा ने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि अब ईद का दिन है आज तो हमें कपड़े लेकर दें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा जी कि मेरे पास तो इतनी अमाउंट नहीं है इतने पैसे नहीं है कि मैं कपड़े लेकर दूँ आपके उस बारह बच्चे थे तो मैं इन बच्चों को कपड़े लेकर नहीं दे सकता मेरे पास पैसे नहीं हैं फ़ातमा ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने खजांची से कहें कि आपको जो है ना वो एडवांस में पैसे दे दे अगले महीने की जो तनख्वाए आप तनख्वाह लिया करते थे एक मुकर तो वो आपको एडवांस में दे दे उससे जो है ना हम बच्चों के कपड़े ले लेंगे जहाँ तक घर का ख़र्चा है ए, उसको जो है ना हम मजदूरी करके पूरा कर लेंगे हजरत उमर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने उस खजांची को बुलाया और उसे कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए कि हमें अगले महीने के तनख्वाह के पैसे एडवांस में दे दीजिए ताकि हम बच्चों के कपड़े ले सकें अब वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का खजांची था ना कोई आम चापलूस तो था नहीं उसने कह वो कहने लगा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे गारंटी दे दीजिए मुझे लिख कर दे दीजिए कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे तो मैं आपको तेन तनखा एडवांस में दे देता हूँ अगर आप ये नहीं दे सकते तो मेरी तरफ से भी माजरत अब ये खजांची हजरत उमर अब्दुल अजीज का चापलूस नहीं है ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है तरबियत ऐसी हुई है कि और हजरत अमर बन अब्दुलजीज़ खाली हाथ जब वापस अपने घर की तरफ आए तो आकर अपनी बीवी को कहने लगे कि माजरत मैं अपने बच्चों को एडवांस में कपड़े नहीं दिलवा सकता क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं अगले साल जिंदा रहूँगा या कि नहीं ये वो हजरत उमर बन अब्दुलजीज़ हैं ये वो बादशाह हैं और आज के बादशाह बादशाहों को कम्पेयर करें कि इनको नज़र ही नहीं आ रहा होता इनके चापलूस इनके इर्द गिर्द इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वो मुल्क हालात को अच्छे तरीके से उन्हें समझ ही नहीं आने देते अगर उन्हें समझ आती भी है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं उन्हें इस बात का पता होता है कि अगर आप पेट्रोल इतना महंगा कर देंगे अगर आप आटा इतना महंगा कर देंगे अगर आप जरूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को इंतहा का महंगा कर देंगे और मजदूर की मजदूरी जो है वह इंतहाई कम होगी तो उसके हालात कैसे होंगे उसके बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे कि उसके बच्चे कैसे अच्छा खाना खा सकेंगे वो अपने माँ बाप का अगर इलाज कराना चाहेगा तो उस मजदूरी से कैसे करा सकेगा आजकल ये इनके जो इनके करीब जो बैठे होते हैं इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं मुआशियात के जो है ना लोग जो बैठे होते हैं वो इनको इस तरफ आने ही नहीं देते अगर वो इस तरफ आ भी जाएँ तो उन्होंने अपनी आँखें बंद की हुई हैं एक हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं आप उनकी ज़िंदगी को देखें आप मिसालें तो उनकी देते हैं लेकिन आप सिर्फ़ मिसालों तक काम चला हुआ है सिर्फ जो है ना ड्रामे देखने तक काम चला हुआ है हकीकी तौर पर जो है ना आँखें खोलने की ज़रूरत है हकीकी तौर पर आवाम की हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बनाने का जो है ना जरूरत है इसलिए इन सारी हमारी तारीखों को पढ़ें हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकिजत जिंदगी और सीरत को पढ़ें उसको अपनाने की कोशिश करें पहले सबसे पहले अपने आप से शुरू करें असलाह जो हमेशा होती है वो अपने आप से होती है आप अपने आप से शुरू करें इन शाह तते करते, करते 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 पूरा मुआरा दुरुस्त हो जाएगा तो हज़ूर नबी मुकरम मकरम सल्लासलम की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दें हज़ूर नबी मुकरम सल्ला वसलम की धा पर दुरूद उसम का नजराना पेश कर दीजिए शुक्रिया